जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट करके, ईमेल्स करके हमें पूछा है कि ये गोमती चक्र क्या है, वास्तव में गोमती चक्र होता क्या है और इसके उपयोग का क्या तरीका है और इसके उपयोग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कृपया हमें इसके संबंध में जानकारी शेयर कीजिए। तो आप सभी लोगों के अनुरोध पर आज हम बात करने जा रहे हैं गोमती चक्र के बारे में कि आखिर ये गोमती चक्र होता क्या है। देखिए, गोमती चक्र को आप एक प्रकार का पत्थर बोल सकते हैं जो कि नदी में मिलता है, समुद्र में मिलता है। गोमती चक्र जल में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों, रासायनिक तत्वों से मिश्रित होकर निर्मित होने वाला एक सीपी जैसे दिखने वाला पत्थर होता है जिसके ऊपर चक्र सा बना होता है। आमतौर पर गोमती नदी से मिलने वाले पत्थर को गोमती चक्र कहा जाता है, लेकिन गोमती चक्र समुद्र में भी मिलता है। इसे आप शंख, सीपी, कोड़ी की तरह समुद्र से निकलने वाला एक पत्थर या पदार्थ समझ सकते हैं। दक्षिण भारत में इसे गोमती चक्र कहा जाता है और संस्कृत में इसे धनुपदी कहा जाता है। ये प्राचीन काल से ही, पौराणिक काल से ही यज्ञ वेदी के चारों ओर लगाए जाने वाला पदार्थ माना जाता है और प्राचीन काल में इसे राज तिलक के समय सिंहासन के ऊपर छत्र में लगाया जाता था। गोमती चक्र की बनावट बड़ी ही अनूठी है। गौर से यदि आप इसे देखते हैं तो इसमें आपको हिंदी डिजिट्स 7 दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का 7 का अंक इसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और यह डिजिट 7 अंक जो है वो राहु का अंक माना जाता है। जल से प्राप्त होने के कारण गोमती चक्र में चंद्र के गुण भरपूर मात्रा में होते हैं और जब इसके ऊपर 7 लिखा है तो यह राहु संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बहुताई से उपयोग लिया जाता है। साधारण तौर पर गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके टोटकों के लिए, उपाय के लिए, अपने फायदे के लिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। गाँव में दूध देने वाले पशुओं के गले में गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर पहनाते हैं। किसानों का मानना है कि गोमती चक्र को दूध देने वाले पशु के गले में बांधने से पशु को नज़र नहीं लगती है और पशु दूध अधिक मात्रा में देता है। गोमती चक्र सरलता से बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला पदार्थ है। यह आप पूजा सामग्री बेचने वाले किसी भी दुकानदार से खरीद सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गोमती चक्र आपको लगभग 100 से 200 रुपए के बीच में मिल जाता है। असली गोमती चक्र आपको आसानी से 150-200 रुपए में मिल जाता है। तंत्र विद्या में भी गोमती चक्र को उपयोग में लिया जाता है, लेकिन गोमती चक्र को जब तक अभिमंत्रित करके उपयोग में नहीं लेते हैं तब तक इसके लाभ पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाते हैं। तो गोमती चक्र को उपयोग में लेने के लिए अभिमंत्रित करना जरूरी है, गोमती चक्र की पूजा करना जरूरी है। गोमती चक्र को कई प्रकार के लाभों के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, व्यापार या नौकरी में वृद्धि के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग किया जाता है, नज़र दोष या तांत्रिक प्रभावों से मुक्ति के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग संतान के प्राप्ति के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग करते हैं, और यदि आपका बच्चा किसी चीज़ से डरता है, भयभीत रहता है, बार बार चमक के उठ जाता है तो उसके लिए भी आप गोमती चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग कोर्ट केसेस से परेशान हैं, मुकदमों से परेशान हैं, मुकदमों के जीतने के लिए भी गोमती चक्र का बहुताई से प्रयोग देखा गया है। आर्थिक लाभों के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और घर में सुख शांति के लिए गोमती चक्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। भाग्य को जगाने के लिए, भाग्य उदय करने के लिए भी गोमती चक्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ प्रयोग गोमती चक्र के शेयर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और गोमती चक्र को उपयोग में लेने से पहले इसे कैसे अभिमंत्रित करना है इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। देखिए, गोमती चक्र को किसी भी उपयोग में लेने से पहले आपको गोमती चक्र की पूजा कर लेनी चाहिए। होली, दीपावली, नवरात्रि जैसे शुभ मुहूर्त पर गोमती चक्र की
विशेष पूजा की जाती है। सर्व सिद्धि योग, अमृत योग और रवि पुण्य योग में आप गोमती चक्र की पूजा कर सकते हैं। धन लाभ के लिए, विशेषकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको गोमती चक्र की पूजा दीपावली के दिन करनी चाहिए। दीपावली के दिन इसे अभिमंत्रित करना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि गोमती चक्र को अभिमंत्रित कैसे करें। गोमती चक्र को अभिमंत्रित करने के लिए आपको बाजोट पर, यानी कि एक लकड़ी के पाटे पर, एक लाल रंग का वस्त्र बिछा देना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। बाजोट पर आपको 11 या 21 गोमती चक्र को रखना चाहिए। कम से कम 11 गोमती चक्र होने चाहिए या फिर 21 गोमती चक्र होने चाहिए। विधि पूर्वक आपको यहाँ माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और फिर ओम श्री नमः मंत्र का कम से कम 21 माला आपको जाप अवश्य करनी चाहिए, तभी आपका गोमती चक्र अभिमंत्रित होकर एक्टिव हो पाएगा। तो आप इस तरीके से गोमती चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। 21 माला जाप करने के बाद गोमती चक्र लगभग एक्टिव हो जाता है। परिवार को आर्थिक संपन्नता प्रदान करता है। इसे आपको बाद में पूजा घर में धन स्थान पर आप इसे रख सकते हैं, लेकिन इसे नित्य धूप दीप दिखाना जरूरी होता है ताकि यह एक्टिव रहे और इसके प्रभाव, इसके शुभ प्रभाव आपको लगातार मिलते रहे। अलग अलग उपायों के लिए गोमती चक्र का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो एक एक करके मैं संक्षेप में आपको सारे तरीके शेयर कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है लेकिन काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। यदि आप व्यापार में वृद्धि के लिए गोमती चक्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो 11 गोमती चक्र को आप अभिमंत्रित कर लीजिए और इसको लाल पोटली में बांधकर तिजोरी में या फिर किसी धन स्थान पर सुरक्षित तरीके से रख दीजिए। अपने व्यापार के चौखट पर आप इसे लाल कपड़े में पोटली बनाकर लटका भी सकते हैं। इससे आपके ग्राहक जब इसके नीचे से निकलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में वृद्धि होती है। यदि रोग मुक्ति के लिए आप गोमती चक्र का प्रयोग करना चाहते हैं, जिन लोगों के पेट से संबंधित रोग हैं उनके लिए यह विशेष उपाय है। इसके लिए आप 10 गोमती चक्र लीजिए, उसे रात में पानी में डाल दीजिए और सुबह इस पानी को आप पी लीजिए। नियमित रूप से इस प्रयोग को करने से पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों से शीघ्र राहत मिलने लगती है। जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है उसके स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए आप 7 गोमती चक्र लीजिए और इसे उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर उतार दीजिए और फिर इसे किसी ब्राह्मण या फकीर को दे दीजिए। यदि घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर आप बांध दीजिए। उसी दिन से रोगी का रोग समाप्त होने लगता है। ये काफ़ी प्राचीन उपाय है। बार बार गर्भपात हो जाता है तो 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर अपने कमरे में बांध लीजिए। इस उपाय से गर्भपात होना बंद हो जाता है, तो ये भी काफ़ी चमत्कारी उपाय माना जाता है। देखिए, आर्थिक लाभ के लिए हर व्यक्ति काम करता है। धन की इच्छा हर व्यक्ति को होती है, तो यदि आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आशातीत लाभ नहीं मिल रहे हैं, आशातीत धन नहीं मिल रहा है, तो आप गोमती चक्र का यह प्रयोग कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 21 गोमती चक्र आपको लेना है। इसे आप विधि पूर्वक अभिमंत्रित कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए और फिर इसे अपने पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की तस्वीर के समक्ष पीले रेशमी वस्त्र में बांध कर रख दीजिए और पुनः रोली से तिलक करके प्रभु को और पुनः इस पर रोली से कुमकुम से तिलक करके श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से आपके घर में स्थायी निवास के लिए और धन आर्थिक श्रमधि के लिए प्रार्थना कीजिए। धन प्राप्ति के लिए, श्रमधि की प्रार्थना के लिए आप हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3 माला रोजाना गोमती चक्र के समक्ष बैठकर जाप कीजिए। लगातार 43 दिनों तक जाप कीजिए और इसके बाद में अंतिम दिन 43वें दिन आप किसी कुंवारी कन्या को भोजन कराइए और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए। इस उपाय से निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा और यह प्रयोग काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी चमत्कारी प्रयोग है। आप इसे करके देख सकते हैं, इसमें आपका कुछ लगता नहीं है। इसके अलावा
गोमती चक्र के अन्य काफ़ी प्रयोग हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है, बोरिंग ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं। यदि आप गोमती चक्र के और प्रयोग जानना चाहते हैं, किस संबंध में आप प्रयोग जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइए, हम गोमती चक्र के और प्रयोग आपको दूसरे वीडियो में पार्ट टू में आपको लेकर आएंगे। तो आप अपने कमेंट हमें करके बता सकते हैं कि आपको किस समस्या के लिए गोमती चक्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।